नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत अच्छा रन कर रहा था, लेकिन फिर ऐसा भी क्या हो गया कि 1922 में गांधी जी ने मूवमेंट वापस ले लिया। तो हे एवरीवन, मैं मानसी मौर्य और आज हम बात करेंगे चौरी चौरा इंसिडेंट के रिगार्डिंग। एक्चुअली हुआ यूं था, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन है चौरी चौरा, जहाँ एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भगवान अहिर ने 2 फरवरी 1922 को अपने साथियों के साथ मार्केट में बढ़ते दाम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू किया। ब्रिटिश पुलिस ने प्रोटेस्ट रोकने के लिए लोगों को खूब पीटा और लॉकअप में डाल दिया। और फिर पब्लिक में इस बात का गुस्सा आ गया कि जब प्रोटेस्ट पीसफुली चल रहा था तो लाठी चार्ज क्यों। अब इसके अगेंस्ट लोगों ने 4 फरवरी को प्रोटेस्ट शुरू किया, जिसमें ज्यादा लोग थे नहीं तो ब्रिटिश पुलिस ने इग्नोर कर दिया। लेकिन 5 फरवरी 1922 को बहुत ज्यादा नंबर में लोग प्रोटेस्ट में आ गए और ये लोग फोर्सफुली दुकानें बंद करवाने लगे, तो ब्रिटिश पुलिस ने ओपन फायरिंग की, ये सोच के कि 2-3 लोग मरेंगे तो ये लोग शांत हो जाएंगे। और 2-3 लोग मरे भी, लेकिन फिर पब्लिक में इस बात का गुस्सा और भड़क गया और पब्लिक का गुस्सा देखकर ब्रिटिश पुलिस पुलिस स्टेशन में भाग गई और अंदर जाके गेट अंदर से बंद कर लिया। तो भारतीय पब्लिक ने बाहर से लॉक लगा लिया और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। और अब ये प्रोटेस्ट वायलेंस में कन्वर्ट हो चुका था और गांधी जी को पता था कि अंग्रेज इसी का तो वेट कर रहे हैं कि हम वायलेंस करें, जो कि अब हो चुका था। और अब ये हमारे लीडर्स को जेल में डालेंगे, हमारे क्रांतिकारी नेताओं को मारेंगे। लेकिन ये सब होता कि उससे पहले ही गांधी जी ने कहा एंड ऑफ द मूवमेंट। लॉजिकल थिंकिंग के बेस पे गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था, क्योंकि गांधी जी को पता था कि अगर आंदोलन सफल बनाना है तो हमारे जो क्रांतिकारी नेता हैं उन्हें जिंदा रहना होगा, क्योंकि भीड़ इकट्ठा हो सकती है, क्रांतिकारी नेता नहीं। लेकिन अगर नेता एक बार मर गए, जस्ट सपोज हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं एज लाइक गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, अगर ये लोग मर गए होते तो आंदोलन कहाँ जाता। और अंग्रेजों को भी ये बात पता थी कि मेन मेन लीडर्स को मारो, बाकी भीड़ कुछ नहीं कर पाएगी। गांधी जी अपने नेताओं को जिंदा रखना चाहते थे और इसीलिए इन्होंने एक सफल होता हुआ आंदोलन भी वापस ले लिया था।